सर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं मेनोपॉजल कॉम्प्लिकेशन। देखिए मेनोपॉज क्या होती है, मेनोपॉज हम जानते हैं कि जब परमानेंट मेंस्ट्रुएशन सीज करते हैं उसे मेनोपॉज बोलते हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि ओवरी से एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है। यह एक क्लाइमेटिक चेंज होती है, यह फिजिकल कंडीशन होती है। यह जो होती है 45 साल से 55 साल के बीच डेवलप होती है। इसमें नॉर्मल में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, याद रखना है नॉर्मल में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल के कारण, किसी डिजॉर्डर्स के कारण जब एस्ट्रोजन कम्प्लीटली बंद हो जाती है तो इसमें हमारे बॉडी में 9 तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मेनोपॉज 9 लेटर से बना हुआ है, MENAPOUSE, यानी कि पूरा 9 लेटर से बना हुआ है। तो मेनोपॉज में 9 लेटर 9 कॉम्प्लिकेशन, 9 लेटर से 9 कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। तो पहला जो मेनोपॉज का जो हुआ जो कॉम्प्लिकेशन हुआ होता है साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, जिसमें कि डिप्रेशन, माइनिया प्लस सिजोफ्रेनिया, कई तरह का हेलुसिनेशन, डेलुजन, कई तरह की डिजॉर्डर होती है। दूसरा होती है यूट्राइन प्रोलैप्स, यूटस का सपोर्टिंग सब्सटेंस वीक होने के कारण यूटस प्रोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट होते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस, जो पेल्विक मसल्स कमजोर होने के कारण, सपोर्टिंग कमजोर होने के कारण यूरिनरी इनकंटिनेंस होते रहती है। वेजिनाइटिस, जो वेजाइनल कैनाल्स में प्रॉपरली कई तरह के कंडीशन की वजह से, पीएच कंडीशन गड़बड़ाने की वजह से वेजिनाइटिस होती है, बाउल इन्फ्लामेशन होती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होने के कारण जो वैसोकंस्ट्रिक्शन होने लगती है, इसको बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ने के कारण फैट आर्टरी के लुमेन में ट्विनका इंटीमा पर फैट का डिपोजिशन होने लगता है, इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं मेलिनेंट हाइपरटेंशन, आर्टरी के कम्प्लीटली चेंज होने के कारण मेलिनेंट हाइपरटेंशन, मतलब जो हाइपरटेंशन ठीक नहीं होती है वो हाइपरटेंशन को बोलते हैं मेलिनेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल में ब्लड सप्लाई के अल्टर होने के कारण मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, बोन कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के नहीं होने के कारण बोन जो होती है कमजोर हो जाती है, और उस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ये टोटल मेनोपॉज में ये टोटल 9 कॉम्प्लिकेशन कॉमनेस देखने को मिल जाती है। इससे बचने के लिए हमें कैसे बचेंगे इसको हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो मेनोपॉज मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं हम लोग। थैंक्स।